हेलो गाइस, क्या आपके भी मन में सवाल आते हैं कि हम अपने एलपीजी गाड़ी का माइलेज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? और हमारे मन में भी और आपके भी मन में सवाल आते होगी कि एलपीजी हम कौन सी फिल करनी अच्छी रहेगी, घर पर जो सिलेंडर्स रहते हैं घरेलू सिलेंडर्स रहेगी वो भरनी चाहिए या फिर पम्प की भरनी चाहिए, किस पर अच्छा खासा एवरेज मिल जाएगा और किससे अपना इंजन जो रहेगा गाड़ी का वो डैमेज नहीं होगा और किससे अपना एवरेज अपन गाड़ी का ज़्यादा से ज़्यादा निकाल कर अच्छे पैसे कमा सकती है। तो इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अंत तक के वीडियो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटा दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप जान लीजिए कि इन सवालों के जवाब क्या क्या रहने वाले हैं। तो पहला सवाल, आपको भी लगता होगा कि कौन सी गैस फील करनी अच्छी रहेगी जिससे अपने को अच्छा खासा एवरेज मिल सके। तो अच्छा खासा एवरेज मैं बता दूँ आपको, तो जो घर पर सिलेंडर रहता है एलपीजी वाला वो कोई भी कंपनी का हो उसे से अच्छा खासा एवरेज मिल जाता है, पर उसके लिए एक प्रोसेस रहती है, मशीन के थ्रू उसको फिल करना पड़ता है और उसके लिए बहुत सारी सावधानियां रहती है। अगर आपको वो आता होगा, वो प्रोसेस फॉलो करते हो और मशीन से भरते हो सिलेंडर, तो आप भर सकते हैं जिससे अच्छा खासा एवरेज मिल जाता है। पर इसके पीछे आपको भी पता होना चाहिए कि क्यों घर का सिलेंडर अच्छा खासा एवरेज देता है और पंप पे अपन भरते हैं तो उतना कवर नहीं कर पाता है एवरेज, अपनी गाड़ी उतनी चल नहीं पाती जितनी अपनी घर के सिलेंडर पर गाड़ी चल जाती है उतनी वो चल नहीं पाती है। तो उसका रीज़न रहता है एयर, क्योंकि जो पंप का सिलेंडर्स रहते हैं उनके साथ क्या रहते हैं, पंप पे जो अपन गैस भरते हैं उसके साथ साथ एयर भी आती है और जब अपन घर का सिलेंडर भरते हैं उसमें एयर की मात्रा जो रहती है वो कम रहती है एज़ कम्पेयर टू द पंप का जो रहेगा वो। यही कारण रहता है कि अपना एलपीजी जो रहेगा एलपीजी एवरेज अच्छा खासा अपने घरेलू सिलेंडर पर अच्छा खासा अपने को एवरेज मिल जाता है गाड़ी का। ये तो हो गया पहले सवाल के जवाब। दूसरा, जो एलपीजी रहेगी अपने घर की उससे इंजन ज़्यादा डैमेज नहीं होता है और जो पंप पे रहेगी उससे से भी नहीं होता है, पर घर के सिलेंडर से क्या होता है कि वो 100% प्योर वाला एलपीजी जो कंटिन्यूसली वेपराइजर के थ्रू जाता है, तो जिसके कारण क्या होगा इंजन डैमेज होने की थोड़ी संभावना रहती है। तो इंजन को डैमेज होने से बचाने के लिए जो वेपराइजर जिससे एलपीजी गैस पास थ्रू होती रहती है तो उसको आपको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए। जो भी टैपिट सेट वगैरह रहता है उनको भी आपको सेट करते रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम, जिससे आपकी गाड़ी अच्छा खासा एवरेज दे सकती है। यह था दूसरे सवाल का जवाब। और तीसरा, अगर हम बात करेंगे तो अगर आप भी जान लो, अगर आपको पता नहीं होगा, तो जो एलपीजी सिलेंडर रहता है घरेलू वाला, एक एलपीजी सिलेंडर पे 250+ निकाल ही लेती है अपनी गाड़ी और 500+ तो अपने दो सिलेंडर पे निकाल लेते हैं, पर जो एवरेज रहता है वो अलग अलग भी रहता है। जैसे आप कंपेयर मत करना ओमनी का और इको का, ओमनी का एवरेज थोड़ा अच्छा खासा देगा, एक सिलेंडर पर 250+ निकाल सकेगा, पर इको का नहीं निकल पाएगा क्योंकि इको का जो इंजन है हॉर्स पावर उसका बड़ा है एज़ कम्पेयर टू ओमनी, ओमनी का हॉर्स पावर थोड़ा कम है, तो अच्छा खासा एवरेज दे देती है, 250+ आराम से निकाल लेती है। पर उसको इको के केस में क्या होता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है जिसमें उसका एवरेज अच्छा खासा नहीं आता, इको में अच्छा खासा एवरेज नहीं दे पाता है एज़ कम्पेयर टू द ओमनी। तो ओमनी में अच्छा खासा एवरेज दे देता है, अपनी छोटी गाड़ी रहती है तो ईजिली एवरेज मिल जाता है अपने को अच्छा खासा। और वही है, अगर आपको अच्छा खासा एवरेज चाहिए तो इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा आपको, इन प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको अच्छा खासा एवरेज भी मिलते जाएगा। और एक मेन महत्वपूर्ण बात, अभी सर्दियों का मौसम शुरू है तो आपको पेट्रोल रखना ज़रूरी है क्योंकि सुबह सुबह स्टार्टिंग प्रॉब्लम बहुत करने वाली है अपनी गाड़ियाँ है, तो अच्छा खासा अभी पेट्रोल भर कर रख दीजिए जिससे सुबह आपको तकलीफ नहीं होगी। तो यही थे दो तीन सवालों के जवाब जो कि जानना बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण थे। जो इन सवालों के जवाब बहुत सारे कमेंट कर रहे थे मुझे, तो ये इन सवालों के जवाब का जवाब इस वीडियो में कवर हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल घंटा दबाकर नए वीडियो के लिए इंतजार करना।